हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे डिलीवर हो चुके हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर कलेक्शन हॉल। इसमें आप लोगों को दो तीन शर्ट भी देखने को मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज आई लव शर्ट। सो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं इस वीडियो में ही शेयर क्यों ना करूं। तो गाइस, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आप लोगों को जैकेट, स्वेट शर्ट, बर जैकेट एंड डेनिम जैकेट, सारे के सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ। लोगों को इनमें से कुछ भी चाहिए तो आप अपने लिए देख सकते हैं। लिंक सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड ट्राई ऑन मैं यहाँ पे दे दूंगी साइड में, मतलब किसी भी साइड में मैं ट्राई ऑन दे दूंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पहनने के बाद कैसा लगता है। सारे के सारे रिक्वायरमेंट आप लोगों की यहीं पे पूरी होने वाली है। सो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, अंत में आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके ही जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो अभी जस्ट मैंने इसको ओपन करके, बस पैकिंग को ओपन करके मैंने देख लिया था। एंड अभी ट्राई ऑन के लिए भी मैंने ट्राई नहीं किया है। जैकेट हमारी येलो कलर की है। आप ट्रेवल वगैरह करते हो तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, स्वेटर वगैरह के ऊपर एंड जॉगिंग वगैरह के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड माइल्ड विंटर के लिए भी आप इसको अच्छे से पहन सकते हैं। अगर आप मेरी साइज़ के हैं तो आप एम साइज इसमें बाय कर सकते हैं, परफेक्ट आएगा आपको। मस्टर्ड येलो कलर में आप लोगों को ये बम्बर जैकेट मिलती है। एंड अगर आप बम्बर जैकेट सर्च करते हैं तो अच्छी क्वालिटी में अगर आप जाते हैं तो वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती है। सर्च करते करते मुझे ये वाली जैकेट दिखी थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी तो लग रही थी क्वालिटी वाइज। एंड इसका कलर वहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिख रहा था, बट जो मुझे रिसीव हुआ है ये बहुत ही लाइट कलर है, मस्टर्ड येलो कलर का लाइट कलर। तो इसकी वजह से मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, बट क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है इसकी। इसका जो ब्रांड है ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया हुआ है फॉरिजन कल्चर ब्रांड से। तो एक साथ ही मैंने इस ब्रांड से तीन जैकेट मैंने ऑर्डर कर लिया हुआ है, जस्ट बिकॉज की क्वालिटी एंड ऑब्वियसली अफोर्डेबल भी थी, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। इस तरीके की जीप मिल जाती है फ्रंट में, एंड यहाँ पे ये कैप मिलती है। टू प्राइस ये बहुत अच्छी है, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ लगे, जो इसका कलर है वो जो पिक्चर में शो हो रहा है सेम वैसा नहीं है। ये जो आपको रिसीव होती है तो थोड़ा सा लाइट कलर है इसका पिक्चर से, तो वो इसका माइनस पॉइंट। नेक्स्ट हमारी ये जैकेट है जिसका कलर कॉम्बिनेशन ओ माय गॉड बहुत अच्छा है गाइस, नेवी ब्लू एंड मस्टर्ड येलो कलर का, डार्क कलर का ये है। फ्रंट में आप लोगों को इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाता है, स्लीप पे ये ऐसे लाइनिंग दे रखा है एंड यहाँ पे इलास्टिक दे रखा है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ये है ब्रांड फ्रॉम रोडिस्टर। इस जैकेट का जो मेरा साइज है एस है, एंड यस जो मैंने अभी मस्टर्ड येलो कलर दिखाया उसमें मेरा साइज एम है। अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप अपना साइज चार्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को कोई रिग्रेट फील नहीं होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत 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 पसंद आई ये जैकेट। लेयरिंग पर्पज से ये बहुत अच्छी है, एंड ये इसका मटेरियल जो है वो कॉटन का है, तो बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, एंड रोए वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो आप बेझिझक इसको ले सकते हैं, एंड ऑल्सो आपके प्राइस में भी है। बिग थम्स अप। आई होप आप लोगों को ये कलेक्शन पसंद आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जैकेट हमारी ये डेनिम की है, एंड डेनिम में स्ट्रेचबल इसका फैब्रिक नहीं है, काफ़ी थिक एंड मतलब मोटा इसका फैब्रिक है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आपको ये डेनिम जैकेट मिल जाती है। फ्रंट में आपको पॉकेट यहाँ पे दी हुई है, बटन जो है ये ओपनेबल है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। लाइट ब्लू कलर का इसका कलर है, तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे कैमरे में नज़र आ रहा है सेम कलर इसका यही है। एंड ये है ब्रांड रोडिस्टर से, एंड इसका मेरा साइज जो है एम है। कि जो लेंथ है प्रॉपर बहुत ही बढ़िया वाली लेंथ है, ना ही आपको बहुत क्रॉप में है एंड ना ही बहुत बड़ा है। एक डेनिम जैकेट आपके वार्डरोब में एटलीस्ट होनी ही चाहिए, बहुत यूज़फुल होती है ये लेयरिंग के लिए एंड क्रॉप टॉप, टैंक टॉप एंड गंजी के लिए। आप इसके ऊपर आप लेयरिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड गर्मियों में, सर्दियों में आप इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, एंड कभी ये आउट ऑफ फैशन नहीं होती है। तो बहुत मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ अच्छा एंड अच्छी क्वालिटी का कुछ सर्च कर रहे हैं एंड कुछ रिजनेबल रेट में, तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। आपको स्टाइलो लगना है ना तो पक्का आपको इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सुंदर है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड यू नो ये प्रॉपर ब्लैक कलर, लाइक बोले तो जेट कलर है, जेट ब्लैक कलर में आप लोगों को ये जैकेट मिल जाती है। एंड आप इसको दिसंबर एंड जनवरी वाली जो खूब सारी वाली ठंडी होती है ना, उससे आपको ये प्रोटेक्ट करेगी।
एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है एंड सबसे सुंदर तो इसका कलर है। एंड ब्लैक कलर किसको पसंद नहीं, आई थिंक सबको, और मुझे भी बहुत पसंद है। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचने का एंड ब्लैक फाइनली परचेज कर लेने का, ठीक है। तो ये बहुत मोटी जैकेट है एंड इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है। यहाँ पे आपको कैप मिल जाती है, पर लगा हुआ है जो कि बहुत सुंदर कलर में लगा हुआ है। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ ये जैकेट बाय करके। एंड आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही जिप मिल जाएगी, ऑल्सो जिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुंदर है। एंड ये भी है मेरा फॉरेजन कल्चर से, एंड इसमें मेरा साइज है क्या है भाई, एम मेरा साइज है। दोनों साइड आप लोगों को पॉकेट मिल जाती है एंड पॉकेट में अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। यहाँ पे आप लोगों को कोई जिप नहीं मिलती है एंड ये साइड में जो है ये थ्रेड वर्क है, लुक एट दिस। एंड जिप की जो डिज़ाइन होती है उस टाइप का ये थ्रेड वर्क हो रखा है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक बटन मिल जाता है, बट बटन ये बंद नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे कुछ टॉक करने के लिए है नहीं। साइड में आप लोगों को ये ब्रांड का लोगो मिल जाएगा जो कि साइड में व्हाइट कलर से है। पॉकेट डिज़ाइन की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ही ज़्यादा डिसेंट लग रही है। फॉल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल नहीं निकल रहे। ये जैकेट आपको पूरा हफ करके रखने वाली है, आपको कहीं से भी ठंडी आने के कोई चांसेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे बहुत पसंद आई एंड आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को ये वाला स्वेट शर्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड इसका कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। रश्ड ऑरेंज कलर इसका कलर है एंड सर्दियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है ब्रांड रोडिस्टर से एंड परफेक्ट इसका साइज है, परफेक्ट इसकी फिटिंग है, कॉटन में इसकी क्वालिटी है। विंटर्स के लिए ये परफेक्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा ऑफर चल रहा था तो मैंने उसी दिन इसको ऑर्डर किया था एंड अभी दो दिन पहले मुझे ये रिसीव हुआ। तो सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ, क्या पता किसी को पसंद आए। तो यस, आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पूरा प्लेन है एंड बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आप लोगों को येलो कलर दिखाया था उसी में से का ये सेम है, सिर्फ इसका कलर चेंज है, लेकिन उसमें का जैसे कलर डाउन था तो इसमें का भी कलर डाउन ही है। एंड ये पूरा स्पॉट लुक आपको देती है, जॉगिंग के लिए, जिम के लिए आप इसको वेयर कर सकते हैं। एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट कलर है, तो जिन लोगों को लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है वो इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इलास्टिक मिल जाएगी, इयरिंग के लिए जो कपड़ा लगा रखा है बहुत अच्छे कपड़े की क्वालिटी है एंड दोनों साइड आप लोगों को पॉकेट मिल जाती है। क्वालिटी अच्छी है एंड प्राइस वाइज बेस्ट है। ये ब्रांड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया विंटर कलेक्शन के लिए। लाइट ग्रीन कलर है एंड बहुत सुंदर कलर है, तो क्या आप देख सकते हैं गाइज। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहूँगी ये ब्लैक कलर की स्वेट शर्ट है, बहुत बेसिक स्वेट शर्ट है, प्रॉपर ब्लैक कलर है, बट बहुत ज़्यादा जो जेट ब्लैक आता है वो ब्लैक नहीं है। मैंने लिया है अपना एस साइज क्योंकि ये बहुत ही बैगी सा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि एम साइज बहुत लूज हो जाएगा मुझे, तो मैंने इसमें लिया है 34 साइज एंड 34 साइज एस। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो मैंने सोचा था कि एक्सेस ले लेती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। बट ओके, अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं इसको घर में ही पहनूंगी एंड लूज़ रहेगा तो ठीक है, पहन डालूंगी, कंफर्टेबल रहेगा। इसमें क्या ही बताना है, एकदम प्रॉपर ब्लैक कलर है, तो अगर आप घर के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये मैंने लिया है रोडिस्टर से एंड आई थिंक रोडिस्टर का जो कलेक्शन है ना वो मेरे पास बहुत सारा हो गया है। अच्छा स्वेटशर्ट है तो क्वालिटी भी अच्छी है, अंदर का जो आपको मिल जाएगा कॉटन लगा हुआ है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, बिल्कुल निकल नहीं रहा है एंड आपको वार्म रखे। वन मोर थिंग, आपको दो साइज छोटा लेना है, लाइक आपका एम साइज है तो आपको एक्सेस में जाना है इस स्वेटशर्ट के साथ, बिकॉज एक्सेस भी आपको थोड़ा बहुत लूज ही आएगा, मतलब बड़ा आएगा। तो आप साइज चार्ट में जाकर के पहले साइज चार्ट चेक करिएगा एंड देन परचेज करिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, बट मैंने बहुत सारे कलेक्शन आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिए हैं, बट एक प्रोडक्ट मेरा और है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये है ब्रांड फॉरेजन कल्चर से एंड ये है बमर जैकेट एंड बहुत ही सुंदर सी जैकेट है, बहुत ही बेसिक है एंड ये ग्रे कलर का है एंड ग्रे कलर बहुत ही रिच लुक देता है, बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने सोचा सारे कलर हो गए हैं यहाँ पे तो ग्रे कलर क्यों ही छोड़ रहा है, ग्रे कलर भी कैप्चर ही कर लेते हैं। अभी मैंने इसको वेयर नहीं किया है गाइस, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको पहनने के लिए क्योंकि ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ के मुझे ये रिसीव हुई है, बहुत पसंद आया है इसको। इसके लिए मैं हाईली रिकमेंड करूँगी एंड जो ब्लैक वाली जो प्रॉपर फॉर्म वाली जैकेट है उसके लिए मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ
एंड डेनिम के लिए भी मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे बहुत ही अच्छी मतलब बहुत खुशी दिया है मुझे इन प्रोडक्ट ने। ओके, इसकी स्लीव पे आप लोगों को इस तरीके की लाइनिंग मिल जाती है जो कि नेवी ब्लू कलर की। इयरिंग के पर्पज से आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका कॉलर जो है एकदम पूरा का पूरा अच्छे से बैठ जाएगा और बहुत अच्छा लुक आएगा। इसमें मेरा साइज एस है। यहाँ पे आप लोगों को इलास्टिक मिल जाती है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे नेवी ब्लू कलर से डिटेलिंग हो रखी है एंड यहाँ पे ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ, आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, लेयरिंग पर्पज से एंड ये बहुत ही मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं आप इसको। तो ये था मेरा आज का हॉल। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाएगा, उससे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइज़।